आधा रमजान गुजर जाने के बाद ताजरों की उम्मीदें बरईं मुल्क भर में छोटी मार्केट्स खुल गईं सिंध हुकूमत भी मान गई सुबह आठ से शाम चार बजे तक कारोबार की इजाजत दुकानदारों को एस ओ पीज पर लाजमी अमल करना होगा शॉपिंग मॉल्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर फिलहाल बंद रहेंगे के, के बावजूद लाड़काना में कारोबार खोलने की इजाजत न मिली पुलिस ने दुकानें खोलने से रोक दिया, में दुकानदारों का, थाने के सामने धरना दे दिया। का इजलास आज होगा अरकने पार्लियामेंट का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया स्पीकर कौम असम्बली असद कैसर के बाद महमूद शाह और गुलर खान ने भी वायरस की तस्दीक फवाद चौधरी का इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कहा वर्चुअल सेशन की तजवीज दी थी लेकिन नीग की जिद पर पार्लिमानी कमेटी ने हथियार फार पर स्क्रीनिंग के फरज अंजाम दे रहे थे का कहना है कौम की खिदमत ऐसी बड़ा कोई मकसद नहीं वजीर अलाबर पख तुनखा का शहीद मेजर को खराज तहसीन दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ नैब में भी कोरोना का पहला केस सामने आ गया नैब कोयटा के डिप्टी डायरेक्टर में वायरस की तस्दीक तमाम अफसरान और मुलाजमन के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी कोरोना का तीसरा केस रिपोर्ट नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना से 28 अफराद हलाक हुए चौदह नए केसेज रिपोर्ट हुए एक्टिव केसेज बाईस हैं पी पहली रिलीफ परवाज वाशिंगटन से 200 पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर वतन रवाना हो गई अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद में हम को रुखसत किया। एक और डेढ़ सौ तलबा को लेकर आज रवाना होगा सऊदी अरब में आवाम के लिए पेट्रोल की कम हो गई हाई पेट्रोल एक अशारिया चार सात रियाल से कम होकर छियासी हलाले का हो गया नॉर्मल पेट्रोल सिर्फ सड़सठ हलाले का फी लीटर मिलेगा रहीम यार खान में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई महकमा खुराक और स्पेशल ब्रांच ने छापे मारकर गंदुम की 9 करोड़ रुपए की छप्पन बोरियां बरामद कर ली और लालिगा के आगाज से कबल खतरे की घंटी बच गई स्पेन में पांच फुटबॉलर्स की कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए करंतना कर दिया गया इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुस्तकबिल के लिए रवा हफ्ता अहम है की कैपेसिटी है क्योंकि हम हर पाकिस्तानी को यहां ला के टेस्ट कर रहे हैं हमारे जो, तो जो है, हम करीब पाकिस्तानी पिछले आठ से दस रोज में वापस ला सके हैं। आज से ग्यारह मई से हमारी पॉलिसी में तब्दीली आई है तमाम सूबों की मुशावरत के बाद और हमने जो चार अप्रैल से फिज़ाई हदूद को आहिस्ता आहिस्ता खोला है जितना डेटा हमारे पास आया है तमाम पैसेंजर्स का आप ये जानते हैं कि कुछ ये भी खबरें आई थी और वो दुरुस्त थी कि शरा जो है पॉजिटिव कोरोना टेस्ट जिन मुसाफिरों को आए हैं वो हमारे ख्याल से उम्मीद से कुछ ज्यादा थी तो वो भी हमने डेटा देखा है बाकी दुनिया क्या कर रही है और किस तरह अपनी पॉलिसीज को तब्दील कर रही है वो भी हम देखते रहे को तो देखने के बाद आज से हमने एक मुख्तलिफ पॉलिसी का जिसमें ज़्यादा लचक है उसका हम इतलाक करने जा रहे हैं और उसके मुताबिक अभी तक हम अपने जो पाकिस्तानी बाहर से आते थे उनको हम कर्ंतीना में लेके जाते थे अड़तालीस घंटे वो वहाँ रहते थे उसके बाद उनका टेस्ट होता था और फिर उनको जो नेगेटिव है उनको घर भेजा जाता था और पॉजिटिव को हम ट्रीट करते थे जैसे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स डिसाइड करते थे आज से जो पॉलिसी है उसके मुताबिक 48 घंटे का जो इंतज़ार है टेस्ट के लिए उसको हमने ख़त्म कर दिया है अब जब मुसाफिर आएंगे तो वो फौरी तौर पर या प्राइवेट फैसिलिटी में अपने अखराज उठाकर होटल में जा कर रहेंगे या करंतना सेंटर में हुकूमत के रहेंगे जिस तरह पहले था लेकिन फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सकेगा उनका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक या उनको घर भेजा जाएगा और या उनको ट्रीट किया जाएगा इसमें मैं दो और इजाफे कर दूं एक ये कि जिन लोगों के टेस्ट कुछ लोगों के पॉजिटिव आएंगे लेकिन उनमें कोई सिम्टम नहीं होंगे जिनकी तबीयत जो है वो कुछ खराब नहीं होगी वो भी अब सूबों को इख्तियार है कि वो अपनी पॉलिसी के तहत उनको होम क्वारंटीन यानी सेल्फ क्वारंटीन अपने घर में चौदह दिन आइसोलेट करने के लिए भेज दें जिससे उनकी भी ये सहूलत हो जाएगी कि उनको चौदह दिन करंटीना सेंटर में नहीं या अस्पताल में नहीं रहना पड़ेगा दूसरी बात ये कि सूबे ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके एयरपोर्ट लैंड होने के बाद अपने सूबे के लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाकर करंती में ले जाएं और वहां टेस्ट करें ताकि वो अपने घरों के जितने करीब पहुंच सके फॉरन पहुंच जाए इस सहूलत से जो बुनियादी तब्दीली आएगी वो यह है कि हम अपने जो बाहर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं सात हजार साढ़े सात हजार की जगह अब हम ग्यारह हजार बारह हजार के करीब इंशाला अगले कुछ दिनों में लाना शुरू कर देंगे हफ्तावार या हर दस दिनों में तो इस तब्दीली से जो पाकिस्तानी अभी बाहर हैं ईद से पहले जितने ज़्यादा पाकिस्तानी हम ला सकेंगे यही हमारा आ, हदफ था यही वजीरम साहब की हिदायत थी और वही हम उस पॉलिसी पर अब चल रहे हैं एक बात इसमें और मैं वाजे करना चाहूँगा कि जब हम इस पॉलिसी पर जा रहे हैं तो एक तो हमारी टेस्टिंग पे बहुत लोड आएगा हमारी जो लैबोरेटरीज हैं वो टेस्ट कर रही हैं जितनी जल्दी हो सकेगा वो टेस्ट करेंगे सुबह को ये हिदायत कर दी गई है कि पूरी कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट हो और जितनी जल्दी हो रिज़ल्ट आए लेकिन मैं ये भी इल्तिजा करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा उन पाकिस्तानियों से जो वापस आ रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम मुकम्मल आपको गारंटी कर दें कि इतने घंटे बाद टेस्ट और इतने घंटे बाद आप घर, आप घर जा सकेंगे हिदायत बिल्कुल वाजे है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहेगा चौबीस नई तो कभी छत्तीस घंटे लग सकते हैं लेकिन बहरहाल अब हिदायत वाजे है पॉलिसी वाजे है कि जितनी जल्दी हो सकेगा टेस्ट होगा नेगेटिव तो घर जाएंगे ही अपने चौदह दिन का करंती पूरा करने लेकिन कुछ पॉजिटिव जो आएंगे कोरोना के टेस्ट उनको भी अगर हमारी हेल्थ एक्सपर्ट्स ये समझते हैं सूबों के कि वो अपने घर में जाके करंती महफूज तरीके से कर सकते हैं अपने आप को तो उनको इजाजत होगी जो नहीं कर सकेंगे या नहीं करना चाहेंगे उनको हुकूमत अपनी फैसिलिटी देगी जिस तरह हम पहले कर रहे हैं एक और भी फैसला हम करने जा रहे हैं कि हमारा एक एयरपोर्ट सियालकोट का पंजाब में अभी ऑपरेशनल नहीं है हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते में वो भी ऑपरेशनल हो जाए ताकि कुछ परवाज़ें वहाँ भी आ सकें और इसी तरह कुछ दिनों बाद हम कोयटा की तरफ भी कोशिश करेंगे कि उस एयरपोर्ट को भी हम इस्तेमाल करें ताकि जो बुनियादी मकसद है बुनियादी हिदायत है वजीर आज़म साहब की और इस तमाम गुफ्तगू का मैं वाज कर दूँ महवर वो पाकिस्तानी है जो इस वक्त बाहर फंसा हुआ है और वो शहरी है जो अपने मुल्क वापस आना चाहता है जो उसका हक़ है और हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम ये पूरी कोशिश करके एक नई पॉलिसी लाए हैं जिसमें फिर भी मुकम्मल हिफाजत से लोग अपने घर जाएंगे ये पूरा डेटा देख के इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देख के फैसला किया गया है ये कोई ऐसी लचक नहीं है जिससे खुदा न खास्ता कोई वबा के फैलने का जो डर है वो बढ़ेगा मैं आपको कुछ आदोदुमार भी दे दूं कि इस वक्त लगभग बीस हज़ार के करीब लोग हम वापस ला चुके हैं लेकिन कुछ एक लाख दस हज़ार के करीब और पाकिस्तानी अभी वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं और ये नंबर बदस्तूर बढ़ रहा है तो हम इसलिए जितनी जल्दी हो सके अब इस नई पॉलिसी के तहत जैसे मैंने आपको कहा ग्यारह बारह हज़ार के करीब कोशिश करेंगे कि हर हफ़्ते अगले हफ्ते से पाकिस्तानी वापस आ सके ये जो अगला हफ्ता आ रहा है ये जो अगला हफ्ता आ रहा है 21 मई तक आज से लेके हम इन लगभग दस हज़ार सात सौ दस पाकिस्तानी ला लाने का इरादा रखते हैं बाईस ममालिक पाकिस्तानी वापस आएंगे। इसमें खलीजी ममालिक का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि हमारे पिचासी से 90 फ़ीसद पाकिस्तानी मुतदा अरब अमारात सऊदी अरब आ, कतर उमान ऐसे ममालिक में मौजूद हैं लेकिन इसके अलावा हम आपको ये खुशखबरी पहले ही दे चुके हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को पी आई ए को इजाज़त दी है अमरीकी हुकाम ने कि वहाँ से जो पाकिस्तानी हैं उनको वो फ़्लाइट्स पर वापस लाएँ तो इस हफ्ते अमरीका भी हमारा फोकस है कैनेडा से हमारी कुछ फ़्लाइटें हैं जो ख़ाली आती थी मैं ये भी वजात कर दूँ इस पर भी बात हुई है खाली आने का मनतक ये था के यूरोप और कनाडा बहुत सी फ्लाइटें पीआईए की जाती हैं क्योंकि यहाँ से पैसेंजर वहाँ ट्रैवल करते हैं आ, कनेडियन या ब्रिटिश सिटीजन्स जो हैं जब वो फ़्लाइटें वापस आती हैं अगर हम उन फ़्लाइटों को भर के वापस ले आए तो जो हमारी सकत थी सात हज़ार आठ हज़ार की उनमें से आधी तो इन्हीं फ़्लाइट्स में ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो हमारा मजदूर तबका है जो हमारे प्रायोरिटी है क्राइटेरिया के मुताबिक उन लोगों को हम नहीं ला सकेंगे ये मन तक था लेकिन बहरहाल इस हफ्ते बरतानिया से भी परवाज़ है कैनेडा से भी है अमरीका से भी है और इस तरह अफ्रीका के भी कुछ ममालिक से है लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोड है वो हमारा खलीजी ममालिक है और वहाँ से हम मैक्सिमम लोग लाने की कोशिश करेंगे एक और आपकी आ, मैं गुज़ारिश आपके सामने रख दूं कि इस पर बहुत बात हुई मीडिया में आ, जो मैंने आपको ख़ुद भी कहा कि कुछ शरह जो है कुछ फ़्लाइट्स में काफ़ी तादाद पॉजिटिव लोग निकले थे ख़ास तौर पर कुछ खलीजी ममालिक हमने आपको जो वादा किया था हमने डिप्लोमेटिकली वज़ारत ख़ारजा ने ये इशू उनके साथ उठाया बहुत कॉपरेट किया हमारे साथ हमारे जो बरदराना ममालिक हैं खलीजी और अब ये तय पाया है कि जहाँ से ज़्यादा शरह आ रही थी या जो हम समझ रहे थे कि कुछ हमारा मज़दूर तबका वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में रहता है कि वो इकट्ठे होते हैं बहुत वहाँ से वबा का फैलाव बढ़ने का चांस है तो वहाँ उन तमाम के टेस्ट पहले वहाँ होंगे फिर यहाँ आके दोबारा टेस्ट होंगे तो वो लोग वहाँ से टेस्ट होके आएंगे और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनका ख़ास तौर पे जहाज़ में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ आके वो दोबारा जो है वो उस तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी और जो नंबर हम ला रहे थे वो कम हो रहा था वो भी इंशाला हल हो जाएगा इस सफारतकारी के जरिए कि अब वहाँ पर टेस्टिंग होगी उन लोगों की और सोशल डिस्टेंसिंग भी जहाज में उनकी मेटेन मेंटेन की जाएगी तो मैं आपको खुलासा इसका दोबारा यह दे देता हूँ वज़ी अजम साहब की हिदायत जब हमने अपनी पॉलिसी को पहले हम दो हज़ार लोग लाए फिर हफ्ता बार को सात हज़ार लाए उस पर भी उन्होंने ये हमें बार बार हिदायत दी थी कि हमें और ज़्यादा सहूलत देनी है और जितना हो सके कोशिश करके लचक दिखा के महफूज तरीके से पाकिस्तानी लाने हैं लेकिन उनका नंबर बदस्तूर और बदतरीज बढ़ना चाहिए तो उसके मुताबिक ये नई पॉलिसी मैंने आपको वाज कर दी है लोग आएंगे जितनी जल्दी टेस्ट हो सकेगा होगा उसके बाद नतीजे के मुताबिक या वो घर जाएंगे या उनको ट्रीट किया जाएगा लेकिन मैं फिर वाजे कर दूं कि इसमें उतार चढ़ाव रहेगा हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे कि कौन घर जा सकता है कौन नहीं जा सकता और टाइम भी कुछ ज़्यादा कुछ कम हो सकता है ये बात वाजे होनी चाहिए और आखिरी बात मैं आपकी गुजारिश ये सिर्फ़ आपको कर दूँ जो मैं पहले भी कर चुका हूँ अगर हम हिदायात को फॉलो नहीं करेंगे अगर हम पाकिस्तान आके कोशिश करेंगे कि करंतना ना हो टेस्ट ना हो तो उसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपके अजीज़ वकारत को है जिनके साथ आप घर जाके रहेंगे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम को है और सिर्फ़ और सिर्फ उन समुंदर पार पाकिस्तानियों को है जो अभी भी आने के ख्वाहिशमंद हैं क्योंकि अगर शराब पॉजिटिव की बढ़ी अगर हमें ये नज़र आया डेटा में कि पॉलिसी जो चल रही है उसकी वजह से वबा का फैलाव हो रहा है तो फिर ही बात है हमें नज़रसानी करके ये मामला जो है रिवर्स करना पड़ेगा तो मेरी आपसे गुजारिश है अब बिल्कुल सिंपल पॉलिसी है आपको बहुत थोड़ी देर इंतजार करना होगा वहाँ भी आपने बहुत तमुल से इंतज़ार किया है आपका बहुत शुक्रिया यहाँ भी एक दो दिन एक आध दिन और आपको गुजारना होगा और उससे हमारी ये पॉलिसी जो है इसमें बेहतरी आती रहेगी आपको मैं बार बार ये याद कराता रहा हूँ अगर आपने पाकिस्तान ट्रैवल करना है वहाँ हमारी जो एम्बसीज़ हैं उनसे रबता करें कोविड डॉट जी ओ वी डॉट पी के वेबसाइट है सिर्फ़ उस वेबसाइट पर अतमाद करें अगर आपने फ़्लाइट का शेड्यूल देखना है और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने अप्रूव नहीं की हुई अब इस वेबसाइट पर हमने सवालों जवाब भी डाल दिए हैं जो जो सवाल हमें लोगों के आ रहे थे हमने उनके जवाब भी इस पर डालना शुरू कर दिए हैं तो इस पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आ, मैंने आपकी गुज़ारिश आपके सामने ये सारी जो गुज़ारिश की है मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि इसका सारा इनार्सेस का आप पर है जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं हमारे साथ कॉपरेट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी वापस ला सकें आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया